नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखेंगे 10th क्लास सिविक्स यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित सभी लघुतरीय और दीर्घतरीय प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो इकाई एक है। और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो विभिन्न समुदाय के लिए विचार विभिन्न हो सकता है, परंतु हित समान होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियों भिन्न थी, यानी जो हिंसा के शिकार हुए थे उनकी जाति तो भिन्न थी, धर्म तथा लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु क्षेत्र उनका एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय के रहने वाले थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में लगे थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर सामाजिक विभिन्नता जो होता है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता। यानी मुंबई में ये जो घटना हुई थी, वे धर्म से अलग अलग थे लेकिन उन लोग का पेशा भी अलग था। इसके अनुसार मतलब जो वहाँ का घटना था उसको देख करके हम लोग ये कह सकते हैं, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती हैं। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेती हैं। तो इसमें है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों एवं दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आम तौर पर गरीब वंचित और बेघर हैं और भेदभाव का शिकार, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त हैं। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे में ही सामाजिक अंतर विभाजन का रूप ले लेता है। यानी जो गरीब होते हैं तो उनको मतलब अमीरों द्वारा ऐसा मतलब प्रतीत करा दिया जाता है ताकि उन्हें फील होने लगता है कि हाँ, हम लोग उन अमीरों से उन अमीरों की स्थिति से दयनीय स्थिति है, क्योंकि उन लोग का खान पान भी देखने में हम लोग को टफ लगता है, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं। और इसके साथ हम लोग अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र समाज में परिवर्तन होता है और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करना है। यानी सामाजिक विभाजन में राजनीतिक में भी ये लोकतंत्र का असर पड़ता है, लेकिन भारतीय राजनीति के आधार पर इसे स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, यह बिल्कुल सत्य है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं, जिससे गुजर कर ही लोक स्वतंत्रता अपनी नीतियां निर्धारित करती हैं। यह नीतियां आसान से निर्धारित नहीं हो पाता है, यानी आसानी से इसका निर्धारण नहीं हो पाता है, बल्कि प्रतिद्वंदी के कठिन परिवेश से गुजरना पड़ता है। यानी प्रतिद्वंदी के कठिन परिवेश से गुजरना पड़ता है, आसानी से इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और अगला इसमें उसी में है कि सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं पिछड़ों के लिए सरकार
नौकरी एवं शिक्षण संस्थान के आरक्षण की महिमा कई वर्षों पहले शुरू हुआ था। यानी इसमें जो पिछड़े वर्ग हैं मतलब शिक्षित हैं उनके लिए मतलब आरक्षण की बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। काका कालेकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिश के बीच लंबे संघर्ष तथा हिंसक तनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई थी। यानी काका कालेकर रिपोर्ट और मंडल आयोग की सिफारिश के बीच लंबे समय से हिंसक तनाव चला था, जिसके बावजूद जाकर के ये हमारी आरक्षण पारित हुई थी, जिसके बाद में राजनीति पर जातीय लेबल लगने शुरू हो गए। उसके बाद से राजनीति पर जाति तौर पर क्या होने लगा, बहुत सारा मतलब घोटाला वगैरह होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। सत्तर के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर, सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी दें। इसका आंसर हमारा देख लेते हैं। सत्तर से नब्बे के दशक के बीच स्वर्ण एवं मध्यम पिछड़ा जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला। नब्बे के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व था तथा दलितों का जागृति की अवधारणाएं राजनीति गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रहीं और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन के में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। दशक के वर्ष में राजनीति का पल्ला दलित और महादलित के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्य में दलितों और न्याय का पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक विभाजन राजनीति का परिणाम किन चीज़ों पर निर्भर करती है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 तत्वों पर निर्भर करती हैं। पहला है लोकतंत्र अपनी पहचान स्थित्व तब ही सीमित रखना चाहता है क्योंकि मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा स्थानीय चेतना भी होती हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतना की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र में विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है और संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों की मान लेना आसान है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रुख पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण है यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये 3 कारण हैं सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम की चीज़ों पर निर्भर करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो सबसे पहला देख रहे हैं हम लोग, लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदियों के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर ही पड़ता है। ये बात सही है। लोकतंत्र में किसी विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से भी शिकायत जाहिर करना संभव है, ये भी बात हमारा सही है। कौन गलत है उसको देखते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी हमारा सही है, लेकिन ये देख लेते हैं इसको। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विघटन की ओर ले जाती है, ये हमारा कथन जो है गलत है और इसका यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें जहाँ
जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये बात सही है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ये भी बात हमारा सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, ये बात हमारा गलत है। तो क और ख किस में है, तो ब नंबर में, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे? किंग, मार्टिन लूथर किंग, ये तो थे, लेकिन महात्मा गांधी, ये भी लोकतंत्र के रंगभेद के खिलाफ थे। ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, ये भी दोनों थे, लेकिन जेड गुडी जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 मिलान करना है। इसमें कह रहा है पाकिस्तान डैश डैश है, तो इसमें पाकिस्तान हो जाएगा इस्लामिक देश, यानी ब इसमें हम सही कर लेंगे। और इसमें कह रहा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो अ कर लेंगे इसमें, ये मिलान कर लेंगे। इंग्लैंड, इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट जाति, मतलब जाति वाला है, तो इसीलिए इसको ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, भावी समाज में लोकतंत्र के जिम्मेवार और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न का जवाब हमारा क्या होता है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतांत्रिक शासन का जवाब, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसा शासन, ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन चलाया जाता है, और शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहता है। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक टकराव कम हो तथा सभी को सत्ता में न किसी तरीके से साझेदारी बनाया जाए। यानी लोकतंत्र के भारत में, मतलब जो भावी समाज है, लोकतंत्र के जिम्मेवारियों का ये प्रमुख उद्देश्य है, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं स्पष्ट करें। तो भारत में जिस प्रकार की जातिगत असमानताएं हैं उसको स्पष्ट करते हैं। दुनिया भर के सभी जातियों के सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। पेशे पर आधारित समुदाय व्यवस्था ही जाति कहलाती है, यानी पेशा के अनुसार ही उसका जातिगत पड़ जाता है। जैसे कोई बढ़ई है तो अगर उसका बढ़ई जाति पड़ जाता है, इसी प्रकार से इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है। इनके बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होती हैं तथा खान पान में भी समुदाय में ही होता है, यानी खान पान से भी ये हम लोग करते हैं, मतलब समुदाय का विभाजन। अन्य समुदाय में इनके संतानों की शादी न हो सकता है और ना ही करने की कोशिश करते हैं। अपने समुदाय से हटकर दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवार को समाज से निष्कासित भी कर दिया जा सकता है अथवा उन्हें दंडित भी किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में आज भी जातिगत असमानताएं काफ़ी बड़े पैमाने पर जारी हैं। चलिए इसके साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके दो कारण बताएं। तो क्यों नहीं किए जा सकते हैं, चलिए दो कारण देखते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। राजनीति में जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है और यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का ही खेल है। परंतु ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में अन्य अवधारणाएं भी कम नहीं है, जैसे कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति का मतदाता रहे। इस प्रकार हर पार्टी एक या अधिक
एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। और दूसरा कारण है, अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की संख्या अधिक हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टी उसी जाति विशेष के लोगों के अभ्यर्थी को बनाते हैं। और इस ये हमारा 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीतिक ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना है। चलिए, जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म लेती है लेने लगती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिक कहलाती है। राजनीति में सांप्रदाय के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, जो एक नंबर में है, जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यक का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में सिंघलियों का बहुसंख्यकवाद, यह लोकतांत्रिक स्वरूप से निर्वाचित सरकार ने ही हिंसली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सामुदायिक के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिक का दूसरा रूप है। इसके लिए पवित्र प्रतीकों जैसे, यानी प्रतीक मिस होता है चिन्ह, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। निर्वाचन के वक्त हम अक्सर ऐसा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जिक्र करें और भारत में स्त्रियों के भेदभाव या वे कमजोर स्थिति में है इस पर अपना पक्ष दें, यानी तर्क दें। तो इसमें देखिए, भारतीय समाज अभी भी पितृप्रधान है। पितृप्रधान मीन्स पिता की प्रधानता। औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, जैसे महिलाओं में साक्षरता की दर मात्र 65% है जबकि पुरुषों में 82%। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। यह कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या कम है। और दूसरा पॉइंट है, शिक्षा में लड़कियों कि इसी पिछड़ेपन के कारण आज भी ऊंचे तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। तीसरा पॉइंट है हमारा, भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की इच्छा होती है और लड़कियों के जन्म लेने से पहले ही हत्या कर दिया जाता है। इसी मानसिकता का परिणाम देखने को हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक ना आप लोग। और इसी प्रश्न के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, जो आप लोगों के प्रश्न से हमारा लास्ट प्रश्न था, 16 नंबर प्रश्न। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप लाख नोट्स पढ़ लें, जब तक आपको किताबी ज्ञान और किताब के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो आप अभी भी अधूरे ज्ञान के शिकार हैं। तो इसीलिए कई तरह के मॉडल पे आधारित मतलब सोच न रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपने किताब यानी पुस्तक से संबंधित जानकारी को जानना शुरू करें, क्योंकि वही लाइफ का स्टैंडर्ड और आधार होता है, यानी बेसिक आधार होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।